नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्यू टीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले वेब डिजाइनिंग कोर्स के बारे में। वेब डिजाइनिंग कोर्स टेक्यू टीम की वेबसाइट पे चल रहा है और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आप फटाफट जाइए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें इस कोर्स में कवर होने वाले हैं, उन सब के बारे में बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इस कोर्स में जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात की वेब डिजाइनिंग कोर्स जो है वो बिल्कुल बेसिक बिगनर्स के लिए है, जिनको अभी तक कुछ नहीं पता है, जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, या जिन्होंने कभी ऐसा कोई कोर्स नहीं किया, ऐसी कोई नॉलेज जिनको नहीं है उनके लिए है। दूसरी चीज कि ये जो कोर्स का वीडियो लेक्चर है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, या इंग्लिश आती है हिंदी नहीं आती, तो दोनों लैंग्वेज में आपको वीडियो मिलेंगे। लेकिन जो कोर्स का स्टडी मटेरियल है, जो आपको बुक्स मिलेंगी सॉफ्ट में पीडीएफ में, वो आपको किस में इंग्लिश में मिलेंगे। तो बेहतर है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश आए, और यदि नहीं भी आती तो आप हिंदी में वीडियो लेक्चर देख के आप पूरा प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो सीख सकते हैं। अब ये कोर्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, या जो पार्ट टाइम कोई एक जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, या फुल टाइम भी आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। मतलब जिनको लगता है कि यार आप एक एक्स्ट्रा इनकम मुझे चाहिए, एक एक्स्ट्रा सोर्स चाहिए इनकम का, तो वो आप क्या कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, या आप अभी बीटेक कर रहे हैं, या कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, या कुछ भी कोर्स कर रहे हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड है, आपके पास में एक लैपटॉप है, खुद का कंप्यूटर है, तो फिर आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और इस कोर्स में आपको वेब डिजाइनिंग के बारे में पूरी चीजें मिलने वाली, जो अभी मार्केट में चल रही हैं, जो कंपनियां करती हैं वेब डिजाइनिंग डेवलप करने के लिए, कौन कौन सी चीजें करती हैं, उनके वेब डेवलपर क्या क्या चीजें करते हैं जिससे वो एक वेबसाइट बना लेते हैं, वो सारी चीजें इस कोर्स में होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें कवर करेंगे हम। थोड़ा सा बेसिक इसमें देख रहे हैं कि, और उसके बाद में डिटेल्स में आपको पूरा सिलेबस में मिल जाएगा। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि कोर्स क्या है जो अभी ये वीडियो चल रहा है, इसके बाद में एक फर्स्ट एक वीडियो आएगा जो उसके मतलब कोर्स का जो लेक्चर वीडियो है उसमें वेबसाइट कैसे काम करती है, इंटरनेट पे कैसे वेब सेटअप होता है, सर्वर कैसे होते हैं, कैसे कोई पर्सन जो वेबसाइट सर्च करता है तो वेबसाइट टॉप में आती है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, पहले बेसिक आपको समझाएंगे कि सही में प्रोसेस कैसे चल रहा है, इंटरनेट पे कैसे वेबसाइट चलती है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिक लैंग्वेज है, मतलब जिनकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप जब भी एक वेबसाइट बनाए फिर उसमें कस्टमाइजेशन करना है, मतलब आप अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहते हैं, कोई जो आपको प्रोवाइडर नहीं दे रहा, तब भी फिर आप क्या कर सकते हैं, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कर सकते हैं। तो वो है HTML, CSS, JavaScript, और भी कुछ लैंग्वेजेस है, उनके बारे में भी हम जब कोर्स में बात करेंगे तो देखेंगे। उसके बाद में वेब टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, जैसे कौन कौन से स्टैंडर्ड है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन से सर्वर्स है, कौन कौन सी सपोर्टेड टेक्नोलॉजी है, जो ये प्लेटफॉर्म है जो इसको सपोर्ट करता है, ये प्लेटफॉर्म है जो इसको सपोर्ट करता है। मान लीजिए आप PHP में वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो PHP के लिए कौन से सर्वर बेस्ट है, यदि आप ASP.NET में कर रहे हैं तो कौन से सर्वर बेस्ट है, या आप जावा में कर रहे हैं, JSP में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत हम क्या करें वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे गीक होने की जरूरत नहीं कंप्यूटर गीक की, नहीं आप तो एक्सपर्ट हैं तभी आप इस कोर्स में एनरोल करें। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम और पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको वीडियो मिलेगा। उसके बाद में सबसे पावरफुल जो चीज है वो है CMS। जितनी भी वेब डिजाइनिंग कंपनी है उनके जो वेब डेवलपर है वो लोग क्या करते हैं, CMS यूज करते हैं, उसकी मदद से क्या करते हैं, वेब डिजाइनिंग करते हैं, वेब डेवलप करते हैं और फिर कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो ऐसी ही चीजें कौन कौन सी हैं जो ज्यादातर चल रही है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वर्डप्रेस है, और इस पूरे कोर्स में हम वर्डप्रेस को बिल्कुल खंगाल के रख देंगे। मतलब क्या क्या चीजें हैं, कैसे थीम्स यूज करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे प्लगइन यूज करते हैं, कैसे टूल्स यूज करते हैं, ये सारी चीजें इस कोर्स में होने वाली है। उसके बाद में cPanel बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है यदि आप ऑनलाइन हैं। देखिए इस कोर्स में दो पोर्शन है, एक तो हम क्या करेंगे, पहले आपको यदि आपके लैपटॉप है जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे वो होना ही चाहिए, देखिए ये एसेंशियल है, यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर आप रहने दीजिए, इस कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन यदि लैपटॉप है फिर उसको किस लिए खाली छोड़ के रखा है आपने, लैपटॉप को क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, नहीं ऐसा मत करिए। आप लैपटॉप यदि है तो आप कहीं पे जो मत करिए, आपके पास लैपटॉप है ये समझ लीजिए आपको महीने का जो एक आप अर्निंग चाह रहे हैं ना वो आप यहाँ से कर सकते हैं, यदि आपने ये कोर्स कर लिया तो। कैसे cPanel काम करता है, cPanel की वैल्यू क्या है मार्केट में, cPanel को कैसे यूज करते हैं, उसके बाद इस कोर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होता है, और वो है प्रैक्टिकल वेब डिजाइन। प्रैक्टिकल वेब डिजाइन मतलब सारा कोर्स तो प्रैक्टिकल ही है, लेकिन इसमें हम आपको कुछ सैंपल वेबसाइट है
वो क्रिएट करना सिखाएंगे। जैसे सैंपल वेबसाइट क्या होती है, जैसे किसी की पोर्टफोलियो वेबसाइट यदि आप बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, किसी बिजनेस की बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, यदि ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं अपना कोई प्रोडक्ट सेल या रीसेल करने के लिए तो कैसे बनाएंगे, न्यूज की वेबसाइट बना रहे तो कैसे बनाएंगे, कोई वेडिंग पोर्टल बना रहे तो कैसे बनाएंगे। तो ये सारी बहुत सारी सैंपल वेबसाइट है जो हमने सिलेबस में कवर की है। आप सिलेबस में देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से सैंपल्स हैं जो हम इंक्लूड करेंगे। फिर भी यदि किसी जो पार्टिसिपेंट है उनका सजेशन आता है कि सर ये वाली जो है एक ये भी सैंपल वेबसाइट होनी चाहिए, तो हम वो भी प्रैक्टिकल इंक्लूड करेंगे। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से ही स्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद में बात आती है कि मार्केटिंग, मतलब देखिए आपने एक वेबसाइट बना दी, आपके एक कस्टमर के आपने एक वेबसाइट बना दी, उस वेबसाइट को बनाने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उस वेबसाइट तक लोग नहीं पहुंच रहे, जब तक वो कस्टमर क्या है सेटिस्फेक्शन उसको नहीं होगा। इसलिए वेबसाइट के साथ साथ में हम आपको उस वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाएंगे कि कैसे आप उस वेबसाइट को सर्च इंजन टॉप पे लेके आए, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, उसकी SEM कैसे करें, SEO कैसे करें, ये सिंपल चीजें बताएंगे, बेसिक चीजें। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि यदि आप बेसिक सीखे फिर आप डीप में तो आप खुद ही चले जाएंगे जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। हम सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, बेसिक दे रहे हैं जिससे आप अभी अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप अपना एक जॉब शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम एक बिजनेस आइडिया भी आपको देने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी खुद की वेब डिजाइनिंग कंपनी खोलना या आप चाहते हैं टेक्यू इंटरप्राइज के साथ में काम करना, टेक्यू इंटरप्राइज भी जो बिजनेस वेबसाइट है और इन सब वेबसाइट वेब डिजाइनिंग में है, तो आप यदि चाहें तो उनकी एक एज ए फ्रेंचाइजी या आप इंडिपेंडेंट काम करिए, आप ऑर्डर लेके आइए, आप डेवलप करिए और जो भी चीजें यदि हेल्प चाहिए तो आप इधर से हेल्प ले सकते हैं, उसके लिए हम कोई कॉस्ट नहीं लेते, ठीक है। फिर फाइनल एक क्वेश्चन एंड आंसर होगा जिसमें ये सजेशन लेंगे कि अब और चीजें क्या क्या आपको सीखनी है, यदि आपको वो चीजें सीखनी है तो फिर ये कोर्स हम और एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज फिर इस कोर्स में जितनी चीजें हो गई हैं सिलेबस में जो है वो कवर कर देंगे और उसके बाद में एक एग्जाम होगा जो सर्टिफिकेशन एग्जाम होगा। अब दो दो एग्जाम होंगे यहाँ पे, एक थ्योरी एग्जाम होगा और एक होगा आपका प्रैक्टिकल, मतलब एक असाइनमेंट होगा, आपको एक वेबसाइट का एक दिया जाएगा लुकअप और वैसी वेबसाइट आपको बनानी है। बस हम सिर्फ आपको एक वेबसाइट दिखा देंगे, ये वेबसाइट है, इस ऐसी वेबसाइट आपको बना के दिखानी है। यदि आपने सक्सेसफुली वो बना दिया तो आपको दो सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कि इस कोर्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, दूसरा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट देंगे हम जो 2 महीने का, टेक्यू इंटरप्राइज एक रजिस्टर्ड फॉर्म है तो हम उसकी तरफ से आपको कि 2 महीने आपने हमारे लिए काम किया, क्योंकि जो आपने सैंपल वेबसाइट बनाई है वो आपके हम पोर्टफोलियो में डालने वाले हैं कि भाई आपने हमने आपको आप हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे और आपने ये क्या है वेब डेवलप किए हैं। तो उससे क्या होता है कि आप यदि कहीं कंपनी में जॉब भी करना चाह रहे हैं तो आप वहां बता सकते हैं कि मैंने टेक्यू इंटरप्राइज में अप्रेंटिस किया है और वहां पे मैंने ये जो है वेबसाइट है सैंपल वेबसाइट जैसे बिजनेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो है, ई कॉमर्स है, इन पे मैंने काम किया है, वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला, मेजेंटो, इन CMS पे मैंने काम किया है। तो इससे क्या होता है आप जब भी कंपनी में जाएंगे तो उनको पता चले हाँ आपको इतनी नॉलेज है। ओके, तो ये चीजें इसमें इस कोर्स में होने वाली है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या क्या हाइलाइट्स है। देखिए पूरा कोर्स में सिलेबस में आपने देख लिया कि कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं, बट फिर भी हम यदि एक पॉइंट आउट करें तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही कोर्स है, पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, थ्योरी हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं है। देखो थ्योरी पढ़ने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, आप वहां जाइए वहां पढ़िए आराम से, लेकिन ये जो कोर्स का मकसद है सिर्फ और सिर्फ इतना, यदि आप कॉलेज से पढ़ के आ गए आपको थोड़ी चीजें पता है या बिल्कुल भी नहीं पता है तो फिर आप कैसे जॉब करेंगे। देखिए जितनी भी चीजें हैं COVID-19 की वजह से सब लॉकडाउन में सारी चीजें मतलब इधर उधर हो गई, मतलब डिस्टर्ब हो गई है। अब आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपना कोई जॉब शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सीख के और आप अपना कोई भी एक बिजनेस या स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद में वर्चुअल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, हम लोग कैसे कोर्स का शेड्यूल है, आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा फिर एक लाइव लेक्चर, एक वीडियो लेक्चर एक लाइव लेक्चर। तो लाइव लेक्चर जो होगा उसमें हम आपके सजेशन, आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो इनपुट हैं वो सारे क्या हैं लिए जाएंगे और उसके बेस पे फिर कोर्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाए उनके बारे में भी बात करें। बट इस कोर्स में वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड यदि आप यहाँ पे बोलेंगे मुझे वो चीज भी सीखनी है, मतलब जो इससे हटके तो फिर नहीं होगा, लेकिन इससे रिलेटेड यदि कोई भी चीज है तो वो हम क्या करेंगे इस कोर्स में कवर करेंगे। उसके बाद में आपको हम एक प्रोफेशनल मतलब बनाना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि आप मतलब यदि ये कोर्स कर लिया तो बस फिर आप ये कोर्स करके जब निकले तो आप बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ अब मैं एक वेबसाइट डेवलप कर सकता हूँ, मैं एक वेबसाइट डिजाइन कर सकता हूँ, एक वेबसाइट में आप बना सकता हूँ, ऐसा हम चाहते हैं कि ये कोर्स आपको दे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये जो कोर्स है इसमें आपको एक हम फ्री होस्टिंग देंगे, मतलब जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं यहाँ पे हम लोकल में सिर्फ 2-3 दिन या 3-4 क्लासे होंगी,
जो आपके कंप्यूटर में हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाएंगे और उसमें आपको जो भी चीजें सिखानी है वो सिखाएंगे। उसके बाद जितनी भी क्लासे हैं, जितनी भी जो भी थिंग्स है, वो सारी प्रैक्टिकली ऑनलाइन चलेंगे। मतलब आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे, ऑनलाइन उसका एक सब डोमेन रहेगा, आपके नाम से सब डोमेन रहेगा, और उसी सब डोमेन पे यदि कोई भी ऑल ओवर द इंटरनेट यदि कोई भी एक्सेस करता है तो आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल भी होगी। तो उसके लिए क्या है, एक होस्टिंग चाहिए और उसके लिए एक सब डोमेन चाहिए। तो वो चीज क्या है, हम आपको इस कोर्स के साथ में देंगे। बट उसके लिए क्या है, ये फ्री होस्टिंग और ये चीज देने के लिए आपको एक फीस पे करनी होगी जो है 150। ठीक है, 150 रुपये फीस है। आप 150 रुपये में 2 महीने की हम फ्री होस्टिंग दे रहे हैं आपको, 2 महीने की होस्टिंग मिलेगी। 2 महीने में आप उस होस्टिंग पे कुछ भी बनाओ, एक अकाउंट देंगे, उस पे कितनी भी वेबसाइट बनाओ, मतलब एक वेबसाइट बनाई फिर उसको डिलीट किया फिर दूसरी बना दी, ऐसे आप कितनी भी वेबसाइट बना बना के उस पर प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक सब डोमेन देंगे जो techvteam.com है, उसका ही एक सब डोमेन होगा। जैसे आपका नाम यदि प्रतीक है तो प्रतीक.techvteam.com, ऐसे एक सब डोमेन आपको मिल जाएगा। SSL सेटअप कैसे करना है वो आपको सिखा देंगे, सी पैनल कैसे यूज करने, फुल गाइड कैसे होती है वो आपको क्या करेंगे एक बार बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में बात आती कैसे रजिस्टर करना है आपको। देखिए, रजिस्टर करने के लिए आपको टेक्यू टीम की वेबसाइट पे जाइए, साइन इन करिए। साइन इन करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है जो है पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, कैसे आपको इस कोर्स के लिए एनरोल करना है, कैसे फीस पे करनी है और कैसे नहीं। देखिए, कुछ लोगों को डाउट आएगा कि ये फीस क्यों ले रहे हैं। देखिए, टेक्यू टीम की वेबसाइट पे जितने भी अभी तक कोर्स चले वो सारे फ्री हैं, ये कोर्स भी फ्री है। यदि आप प्रैक्टिकल नहीं चाहते, मतलब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो आप यूट्यूब पे वीडियो आएंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखे, कोई इश्यू नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप जाके 150 रुपये दें और रजिस्टर करें, लेकिन यदि आप सही में इसका प्रैक्टिकल यूज लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई इस कोर्स को करके मैं एक प्रोफेशनल कंपनी में या एक प्रोफेशन में अपना शुरू करूं या अपना बिजनेस शुरू करूं, या टेक्यू टीम के साथ में आप रजिस्टर करें, उसके साथ में काम करना चाहते हैं, तो आपको ये फीस पे करनी होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक प्रैक्टिकल एनवायरमेंट में वर्क करें, ताकि आपको चीजें पता चले कि हाँ नहीं, सी पैनल में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, नहीं, जब हम थीम्स यूज करते हैं तो ये इशू आते हैं। तो ये चीजें आपको जब तक प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। यहाँ पे पूरी डिटेल है कि क्यों आपको हम पेड कर रहे हैं ये कोर्स को, क्यों 150 रुपये आप चार्ज कर रहे हैं। 2 महीने के लिए फ्री होस्टिंग है, सब डोमेन आपको दिया जाएगा, वो भी 2 महीने चलेगा। आप उसको एक्सटेंड करवाना है तो एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, सब डोमेन को। होस्टिंग को एक्सटेंड करवाना है, होस्टिंग को भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए अलग से। 2 महीने के लिए आपको 150 रुपये में ही मिल जाएंगे। कंप्लीशन सर्टिफिकेट और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, दोनों सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको जॉब सपोर्ट दिया जाता है। आप यदि चाहते हैं ये कोर्स करने के बाद में, यदि टेक्यू टीम की वेबसाइट पे ही यदि आप चाहते हैं जॉब करना, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट्स हैं कि क्या क्या है। आप यदि चाहें टेक्यू टीम के साथ में जॉब करना है तो आप पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। आपको जो भी टास्क है, जो भी जैसे हम कोई वेबसाइट का ऑर्डर जो भी हमारे पास आते हैं, उनमें से आपको कुछ एक टास्क दे दिया जाएगा, जितनी जो टास्क होगी उसको आपका पे किया जाएगा, आपको कोई इश्यू नहीं है। यदि आप चाहते हैं यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर कहीं और जॉब करना, तो जॉब करिए। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस शुरू करना, तो आप अपना बिजनेस शुरू करिए। आपका जो फर्स्ट ऑर्डर आएगा, मान लीजिए आपने कहीं पे अपना बिजनेस शुरू कर लिया, आपने एक कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, उसके बाद में आपको एक ऑर्डर मिला वेब डिजाइनिंग का, फर्स्ट वाला जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में हम आपको फ्री सपोर्ट करेंगे, आपका एक ऑर्डर हम वर्क करेंगे उसमें, इसी 150 रुपये की फीस में। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए जो लोग इस कोर्स में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस कोर्स का आप फुल्ली यूटिलाइजेशन करें, प्रैक्टिकल, जो लोग सही में काम करना चाहते हैं उनके लिए। जो लोग सिर्फ आके सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं फिर चले जाएंगे, उनके लिए ये कोर्स है ही नहीं। आप लोग कहीं और से आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो लोग आए जो लोग चाहते हैं कि सही में प्रैक्टिकल मुझे अब बस सीखना है और ये प्रैक्टिकल काम करना है। अब यहाँ पे ये कुछ सिलेबस है, यदि आप रजिस्टर करते हैं तो पूरा सिलेबस देख सकते हैं, और क्यों ये कोर्स पेड रखा हुआ है ये सब मैंने बता दिए हैं। प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल वेब डिजाइन में क्या क्या है, आपको ब्लॉग्स बनाना सिखाएंगे, पर्सनल वेबसाइट कैसे बनाते हैं, बिजनेस वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कम्युनिटी वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं, न्यूज पोर्टल कैसे बनाते हैं, और ये सारी चीजें, और डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सिखाएंगे आपको, ये सारी चीजें हम इसी एक पैकेज में। अदरवाइज दो कोर्स अलग अलग होते हैं, वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन दोनों का जो चीज आपको चाहिए वो चीज इस कोर्स में हो जाएगी, इसी कोर्स में। आपको अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको टेक्यू टीम की वेबसाइट पे जाना और ये सब करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, पूरा प्रोसेस आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो जल्दी से जाइए,
कोर्स को एनरोल कीजिए। यदि आप सही में पे नहीं करना चाहते हैं तो रहने दीजिए, आप YouTube पे वीडियो आएंगे, आप वो वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। टैगो टीम की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई हम इशू नहीं है कि आप पे करके ही उस कोर्स को करें, लेकिन पे करेंगे तो क्या होगा, आपको एक सेल्फ होस्टिंग मिलती है, सब डोमेन मिलता है और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपको क्या है जॉब का ऑफर भी यहाँ से मिल सकता है, या आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस करिए और आप यहाँ पे काम करिए। ऑब्वियसली इसमें बात है कि जितने भी लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, जिनमें से जो बढ़िया परफॉर्मेंस जिनकी है उनको हम पक्का, यदि वो विलिंग है तो उनको हम काम देना चाहेंगे। ओके, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे भी लिंक है आपको, कि कैसे आपको इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोसेस कैसे है, फीस कैसे पे करनी है। वीडियो 1 सितंबर से आना स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।